finishes off in style. मैच नंबर 24 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस 14 अप्रैल 2022 शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई। अगर इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां पर इससे पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया था। इस मैच में कुल 13 विकेट गिरे थे जिनमें से 9 विकेट स्पिनरों को मिले थे, 3 तेज गेंदबाजों को और 1 रन आउट हुआ था। दूसरी पारी में स्पिनरों ने तहलका मचा दिया था। इस बात का ध्यान हम फाइनल 11 बनाते समय जरूर रखेंगे। तो अब अगर राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। जोश बटलर, पर्डिकल, संजू सैमसन, रासी वांडर डसन, शिमरॉन हेटमेयर, रियान पराग, कुलदीप सेन, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले मैच में इसी टीम के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से हराया था, इसीलिए इस टीम में कोई भी चेंज होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। तो अब अगर हम गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शामी और नालकंडे। गुजरात टाइटंस अपना पिछला मैच हैदराबाद से एक तरफा मुकाबले में हारी थी, फिर भी गुजरात टाइटंस इस प्लेइंग 11 को चेंज करेगी ऐसा नहीं लगता है। तो अब अगर हम आपके लिए फैंटेसी प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर में 2 को रखना है, जोश बटलर को और संजू सैमसन को। मैथ्यू वेड अभी फॉर्म में नहीं है इसीलिए उसको नहीं रख सकते हैं। रही बात बल्लेबाजी की तो आपके पास देवदत्त, पडिकल, शिमरॉन हेटमेयर और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज है। वहीं ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया को आप ले सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, राशिद खान और मोहम्मद शामी आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। अगर कप्तानी की बात करें तो अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करती है तो आप जोश बटलर या मोहम्मद शामी दोनों में से किसी एक को कप्तान बना सकते हैं। वहीं वाइस कैप्टन के लिए राशिद खान और युजवेंद्र चहल आपके लिए ठीक रहने वाला है। अगर गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करेगी तो आपको कप्तान में संजू सैमसन और वाइस कैप्टन में शुभमन गिल को रखना है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले इस मैच के लिए हमारी ओर से आपको सलाह यह है कि आप विकेट कीपिंग में दोनों संजू सैमसन और जोश बटलर को रखिए। रही बात बल्लेबाजी की तो पर्डिकल, शिमरॉन हेटमेयर और शुभमन गिल मस्ट पिक बल्लेबाज है। ऑलराउंडर में आप हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया को ले सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, राशिद खान और मोहम्मद शामी को रखिए। अगर आप ऑलराउंडर में राहुल तेवतिया को नहीं लेना चाहते हैं तो आप गेंदबाजी में लोकी फर्ग्यूसन या फिर बल्लेबाजी में साई सुदर्शन को भी ले सकते हैं। आप गेंदबाजी में लोकी फर्ग्यूसन को हटाकर नालकंडे को भी रख सकते हैं, उन्होंने पिछले मैच में काफ़ी इम्प्रेस किया था। रही बात एंड मोमेंट पर कुछ चेंजेस होने की तो वह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे। तो अब आप जल्दी से अपनी टीम बनाइए और जीत का आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। साथ ही जरूरी सजेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।